कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए जहां बड़े स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं, वहीं प्लांट के ढांचे में निर्माण इकाइयों ने खेल भी शुरू कर दिए हैं। यूपी के सुल्तानपुर जिलाधिकारी ने जिला महिला चिकित्सालय में इसका पर्दाफाश किया है और जांच भी शुरू कर दी। साथ ही पूरे मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण में धांधली की शिकायत कई दिनों से रही थी, जिस पर डीएम रवीश गुप्ता ने खुद मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। वहीं जिले में फैल रहे डेंगू के इलाज के लिए भी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए रिपोर्ट भी मांगी। अभी वर्तमान में जनपद अमेठी के एक मरीज डेंगू के भर्ती हैं और एक शहर के मरीज थे, वो कल डिस्चार्ज हो गए हैं। तो उसके लिए फिर नगरपालिका से बात की गई कि जहाँ पर ऐसा केसेस है वहाँ पर विशेष रूप से छिड़काव वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। उसके बाद हम लोगों ने एक निर्माण कार्य, जो एक नया इस महिला अस्पताल के लिए भी एक ऑक्सीजन प्लांट मिला है, उसकी जो प्लिंथ थी उसका देखा गया। तो वहाँ पर ईंटों की गुणवत्ता ख़राब मिली चेक करने पर, तो उसमें निर्देश दिए गए हैं कि पूरे स्टॉक को चेंज किया जाए और पक्की ईंट